तो अब तक आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि भाई ओपन एआई ने GPT-4 को लॉन्च कर दिया है, जो GPT-3 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और GPT-3 से हमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर GPT-4 में देखने को मिल जाते हैं। बट ओपन एआई ने एक गलती ये कर दी कि भाई GPT-4 को रख दिया पैड, यानी अगर आप GPT-4 को यूज़ करना चाहते हो तो आपको ChatGPT+ लेना पड़ेगा, जो कॉस्ट करता है अराउंड $20, यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब करीब 1700 रुपये। बट हमें तो यूज़ करना है फ्री में, और इसे हमें यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन पे, क्योंकि जब से ChatGPT आया ना, कोई ऐसा डेडिकेट ऐप नहीं है जिसकी हेल्प से हम मोबाइल फ़ोन पे ChatGPT को यूज़ कर पाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 तरीके जिसकी हेल्प से आप GPT-4 को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री तरीके से आप GPT-4 को अपने फ़ोन में यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ज़रा सा भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आप मिस कर दोगे फिर बाद में कमेंट करके बोलोगे कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपको बताता हूं कि आप GPT-4 को अपने मोबाइल फोन में कैसे यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले तरीके पे, जिससे आप GPT-4 को अपने मोबाइल फोन पर यूज कर पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस जो पहला तरीका है ना, वो है गाइस net.dev। अब गाइस ये एक वेबसाइट है जिस पर आप जाके GPT-4 को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, और गाइस ऐसे यहाँ पर कोई लिमिट भी नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये आपकी PC पर भी काम करेगी, अपने मोबाइल फ़ोन पर भी काम करेगी, और मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट इसलिए क्योंकि गाइस ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है मोबाइल फ़ोन के लिए, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर भी काफ़ी सही तरीके से काम करेगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, इस वेबसाइट का नाम है net.dev, और यहाँ पर आपको मेरी फ़ोन की स्क्रीन में दिख रही होगी, तो यहाँ पर मैं जो भी फ़ोन में करूँगा आपको दिखता रहेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर गूगल से रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर दूंगा, और गाइस यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करके इसमें साइन इन कर लूंगा। पहली बार जब आप साइन इन करोगे ना, तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो आपका नंबर भी लेगा, तो उसे वेरीफाई कर लेना, और उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइस यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ऊपर एक सेटिंग का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप जाओगे ना तो गाइस यहाँ पर मॉडल आपको दिखेगा, इस पर आपको जाना है, और गाइस यहाँ पर आपको GPT-4 दिख जाएगा, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप GPT-4 सिलेक्ट करोगे ना, आप GPT-4 यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ लिखो, और गाइस आपको यहाँ पर GPT-4 लिख के दे देगा जो भी उसका आंसर होगा। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई तू GPT-4 है या GPT-3 है, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई मैं GPT-4 हूँ। तो गाइस यहाँ पर आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, आराम से यूज़ करो। और गाइस ये काफ़ी खुफिया वे है जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि गाइस यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि GPT-4 बिल्कुल फ्री में दे रही है। तो गाइस आप इस वेबसाइट का यूज़ करके GPT-4 को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, आपके फोन पर बिल्कुल काफी अच्छे से काम करेगी। और एक और एक चीज है जो सबको आती है, वैसे बेसिक चीज है कि आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे ना, मैं अपने आईफोन में कर रहा हूं, आप अपने एंड्रॉइड पर भी कर सकते हो, कि इस वेबसाइट का एक शॉर्टकट बना सकते हो, जैसे कि गाइस आपके ऐप ड्रॉअर में ये आ जाएगा, और वहां से भी इसको आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस ये काफी सिंपल सा है, आप आराम से इसको ऐप की तरह यूज कर सकते हो, आपके जो ऐप ड्रॉअर है वहां पर आराम से आ जाएगा, और वहां से गाइस जाके आराम से आप इसको यूज कर सकते हो, और GPT-4 अपने फोन पर आराम से चला सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे हमने दिए नहीं, बिल्कुल खुफिया वेबसाइट थी जो सबको नहीं पता है, पर मैंने आपको बता दी। तो आराम से यूज़ करो, और GPT-4 में जो भी सर्च करना चाहते हो, जो भी आपका काम है, आराम से यहाँ से करवा सकते हो। तो ये था गाइस हमारा पहला तरीका जिससे आप GPT-4 को बिल्कुल फ्री तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपने फ़ोन पर भी और अपने PC पर भी, क्योंकि वेबसाइट हर जगह काम करेगी, तो आप ओपन करके आराम से GPT-4 को चला सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे अब दूसरे तरीके पे, जिसकी हेल्प से आप GPT-4 को अपने एंड्रॉइड फ़ोन में और अपने आईफोन में यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और इस तरीके में ना पूरा एक डेडिकेट ऐप डाउनलोड करने वाले हैं, उसकी हेल्प से आप GPT-4 को एक्सेस कर पाओगे, और इस ऐप का नाम है Bing, जो कि आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लो, और ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, तो आराम से इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना, और गाइज यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली अलाउ कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बॉटम में Bing का एक लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और गाइज यहाँ पर आपका चैटबॉट ओपन हो जाएगा। ये चैटबॉट Bing चैट है, और गाइज इसे आप आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमें तो GPT-4 यूज़ करना है, तेने तो Bing चैट बता दिया, पर मैं आपको बता दूँ कि भाई GPT-4 से ही पावर है Bing चैट, यानी अगर आप Bing चैट यूज़ कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि आप GPT-4 को यूज़ कर रहे हो। Bing चैट बिल्कुल फ्री है, दैट मीन्स GPT-4 को भी यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। और गाइज ये मैं नहीं कह रहा, आप यहाँ पर जाके नेट पर भी सर्च कर लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो Bing चैट है उसको पावर GPT-4 नहीं कर रखा है। तो अगर आप Bing चैट चला रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप GPT-4 चला रहे हो। और गाइज ये पूरा एक ऐप है, और यहाँ पर गाइज आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड आपने करा, कोई भी आईडी भी आपको बनानी नहीं पड़ी, डायरेक्टली आप यहाँ पर Bing चैट को यूज़ कर पा रहे हो, और ये पूरा ऐप की तरह चलता है ना, तो गाइज ये काफ़ी कॉन्वीनियंट है, आराम से इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ये था हमारा दूसरा
तरीका जो था बिंग चैट वाला, जो कि गाइस काफी कमाल का है। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो के एंड तक दो तरीके बता दिए जिससे कि आप GPT-4 को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल फोन पर। और गाइस दोनों तरीके बिल्कुल वर्किंग है, आराम से यूज करो, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। होपफुली आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको GPT-4 कैसा लगा, और गाइस आप चाहते हो कि GPT-4 के ऊपर और मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना, आपके लिए और वीडियोस आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि यहां पर AI वीडियोस मिलती रहती है आपको, और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लेना क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपसे मिस नहीं होगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।